परीक्षा हॉल 247 पे आप सभी का स्वागत है। मैथ्स के 2020 क्वेश्चंस के इस सीरीज पे मैथ्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वन बाय एक्स बराबर 5 दिया हो तो एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा। x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपसे और एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, अगर x प्लस वन बाय एक्स का एक वैल्यू कुछ भी n दिया हुआ है और आपसे एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू का वैल्यू पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है एन क्यू माइनस थ्री एन। एन का वैल्यू 5 दिया है, 5 का क्यूब कर देंगे माइनस थ्री इंटू एन यानी 5, 5 का क्यूब 125 होगा और इसमें माइनस कर देंगे हम लोग 15, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 110। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है यदि 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 186 रुपीज हो तो मूलधन की राशि ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो अगर 3 साल का SI और CI का डिफरेंस दिया हुआ है, 3 साल का SI और CI का डिफरेंस कितना दिया, 186 रुपीज और 10% रेट है। तो अगर आपसे प्रिंसिपल पूछे ऐसे क्वेश्चन में तो डिफरेंस इंटू 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर फॉर्मूला होता है। ये कब, जब 2 साल के SI और CI का डिफरेंस दिया हो। तो 2 साल का SI और CI का डिफरेंस कितना दिया हुआ, 186, 100 का क्यूब यानी 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, आर स्क्वायर यानी आर यानी कितना 10, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 300 प्लस आर यानी 310, 1010 कैंसल और डबल ये 00 और 100 से 100 कैंसल। 31 से क्या होगा, 6 बार में ये कट जाएंगे और 6 पे 30 आकर के ऑप्शन डी ये आंसर होगा इसका। तो 3 साल का SI और CI का डिफरेंस दिया रहे तो आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 साल का SI और CI का डिफरेंस दिया और अगर आपसे फॉर्म पूछा जाए कि निकालिए तो होता है डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, अगर प्रिंसिपल पूछता है 2 साल का SI CI का डिफरेंस देकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 16 सेंटीमीटर। देखेंगे इस क्वेश्चन को भले इंग्लिश में है पर हिंदी में समझा करके मैं बताऊंगा, ठीक है, इसलिए परेशान मत होइएगा। कहता है यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसका हाइपोटेन्यूज 16 सेंटीमीटर दिया हुआ तो उसका एरिया क्या होगा। तो देखेंगे हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री होता है और उसका सामने वाली साइड कर्ण होती है जिसकी लंबाई आपसे आपको दी हुई है कितना 16 सेंटीमीटर। और यहाँ जानते हैं ये परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस होता है, परपेंडिकुलर x और बेस भी x मानते हैं क्योंकि समद्विबाहु समकोण यानी ये दोनों साइड बराबर है, समद्विबाहु है यानी दोनों भुजा बराबर यानी एक x तो दूसरा भी x। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसका थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी मेरा एक्स हमने माना, एक्स स्क्वायर प्लस बी भी एक्स माना हमने, एक्स स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर यानी 16 इंटू 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर बराबर 16 इंटू 16। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर एड करके इधर आ जाएगा 16, सॉरी इसको 8 लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 8, यही है। इसको सॉल्व करेंगे 8√2 आ जाएगा। एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो हाफ इंटू एक्स का वैल्यू आया 8√2 और दोनों साइड बराबर है परपेंडिकुलर और बेस, तो 8√2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8√2 से, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज इक्वल टू 2, सो ये दोनों कैंसिल हो गए, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कहता है एक व्यापारी अपने खरीदारों को 25% छूट देकर के भी 25% का लाभ कमा लेता है। हाँ यदि उसकी किसी चीज का लागत मूल्य 720 रुपये तो उसकी अंकित मूल्य क्या होगी, यानी कॉस्ट प्राइस आपसे दिया हुआ कितना 720 रुपीज, सेलिंग प्राइस क्या है 25% लाभ कमा लेता है कॉस्ट प्राइस पे, तो कब, जब मार्क्स प्राइस पे 25% का डिस्काउंट देता है, तो भी मार्क्स प्राइस पे 25% माइनस कर दिया तब सेलिंग प्राइस आया, लेकिन अभी भी कॉस्ट प्राइस से प्लस है 25%, तभी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर कॉस्ट प्राइस दिया रहे और परसेंटेज प्रॉफिट दिया रहे तो सेलिंग प्राइस पहले निकाल लो, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 720 है मल्टीप्लाइड बाय 100% अपने आप में था, 25% प्रॉफिट कमाया यानी 125% सेलिंग प्राइस हो गया। तो 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, इसको 4 से सॉल्व करेंगे कितना होगा, 18 25 90 यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 900।
अगर सेलिंग प्राइस 9 आया तो मार्क्स 900 आया तो उसका अंकित मूल्य क्या है पूछ रहा है, तो मार्क्स प्राइस क्या होगा। ध्यान देना, इसको सर्कल में लेकर कैसे बना लेते हैं, ये 900 सेलिंग प्राइस जो है वह मार्क्स प्राइस में 25% डिस्काउंट देने के बराबर बाद है, यानी 75% के बराबर है मार्क्स प्राइस का। तो अपने आप में 100% मार्क्स प्राइस कितना होगा, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 30 से सॉल्व करेंगे तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कहता है एवरेज ऑफ 5 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर इज 7। देखेंगे 5 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर है, ठीक है, 5 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर है और इसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ। अगर एवरेज इसका 7 दिया हुआ है तो इसका पहले वाला कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर है तो इसका पहले वाला 6 होगा और 5 होगा, नेक्स्ट वाला 8 और 9 होगा। कहता है इफ नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड, अब कहता है 1, 2, 3 और भी जोड़ लिया जाए तो अब कितना जोड़ लेगा, 10, 11 और 12। तो कहता है इंक्लूडेड देन बाय व्हाट द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज मोर देन 7। कहता है अब जो एवरेज होगा इन टोटल 8 नंबर्स के, वह 7 से कितना ज्यादा हो जाएगा, तो पहले 7 से कितना ज्यादा होगा। तो अब देख लो कि ये सबका एवरेज आप निकाल सकते हो, तो सबका एवरेज क्या निकलेगा, देखिए इधर से 5, 6, 7, 8 है, इधर से 9, 10, 11, 12 है, तो एवरेज इसी पॉइंट के बीच में होगा और 8 और 9 के बीच में एवरेज कितना होगा, मिड पॉइंट 8.5 होगा, कितना होगा 8.5 होगा। तो अब आप देखेंगे 7 से 8.5 हो गया, यानी कितना ज्यादा बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो यहां तो समझ में आ गया होगा कि 7 एवरेज था, तो इससे पहले 2 संख्या 5-6 थी, बाद में 8-9 था नेचुरल नंबर, 3 और संख्या 10, 11, 12 को जोड़े तो एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो सम ऑफ टोटल नंबर कर लीजिए 5, 6, 11, 7, 18, 8, 26, 9, 35, 10, 45, 11, 56 और 12, 68 डिवाइडेड बाय टोटल 8 नंबर है, इसको जोड़ लेंगे 68, 67, 8.5। तो आप देख रहे हो पहले 7 दिया था, अब 8.5 हो गया, कितना बढ़ा, 1.5 बढ़ा, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं का एवरेज 60 है, तीन संख्याओं का एवरेज 60 है, यदि उनमें से पहली शेष संख्या शेष दो संख्याओं को जोग का 1/4 हो। तो देख लो, तो तीन संख्याओं का एवरेज 60 है तो टोटल नंबर वह कितना होगा, एवरेज 60 है और तीन संख्या है तो वह संख्या का टोटल संख्या कितनी होगी, वह संख्या 180 होगी। कहता है यदि उनमें पहली संख्या शेष दस संख्याओं के योग का 1/4 हो, यानी पहली संख्या ए है जो शेष दो संख्या बी बाय सी का 1/4 है, यही ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बाय बी प्लस सी, इधर रहने देते हैं बराबर 1/4। अगर ए 1 शेयर लेगा तो बी और सी मिलकर 4 शेयर लेगा, तो आपसे पूछता है पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या ए 1 है, टोटल 1 + 4 यानी 5 शेयर होगा और है कितनी संख्या 180, तो ए का वैल्यू कितना होगा 36। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। कहता है ये चीट ट्रेडर क्लेम्स टू सेल ए थिंग्स एट बाइंग प्राइस। देखेंगे इंग्लिश में भले क्वेश्चन है पर हम हिंदी में एक्सप्लेन करके बताएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया है तो आपको परेशानी नहीं होगी और आने वाले सारे सेट में हम हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे, ठीक है, साथ साथ में। तो कहता है ये चीट ट्रेडर, ये जो धोखेबाज व्यापारी वह क्या करता है, कहता है कि हमने कॉस्ट प्राइस पे ही सामान को बेच रहा हूं परंतु क्या करता है वो 850 ग्राम देता है 1 kg की जगह पे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो इससे क्वेश्चन मानने का एक रामबाण टेक्निक ये है कि मान लेते हैं 1000 ग्राम होता है तो उसे 1000 रुपए में उन्होंने खरीदा होगा, यानी 1 ग्राम 1 रुपए में, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, उसका खरीदने का पैसा लगा, किसका, व्यापारी का। लेकिन वह 1000 ग्राम का पैसा किसी से लेता है, 1 kg बोल करके लेता है और देता कितना 850 ग्राम ही देता है, तो वह उसका लागत प्राइस जो बेच रहा है उसका लागत प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी सिर्फ हो जाएगा 850 रुपए, क्योंकि भले 1000 रुपए ले रहा है उससे लेकिन 850 का ही सामान ले रहा है और प्रॉफिट कितना हो गया 150 रुपीज, ठीक है, क्योंकि 150 रुपए का सामान दे नहीं रहा है, 850 का ही दे रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 150 रुपीज कमा रहा है, 150 रुपीज कमा रहा है, कितना का सामान देके, 850 का सामान देकर के, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, 0 और 0 कैंसिल कर देते हैं, 5 से 2 बार में और 5 से कितना बार में, 17 बार में, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 300/17, ठीक है, 300/17। सो देखो 300/17 कौन सा ऑप्शन है, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये 301 हो जाएगा, तो 300/17 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, 17 1 जा 7, 17 1 जा 17, फिर क्या बचेगा मेरे पास 13 पे 0, यानी फिर क्या हो जाएगा मेरे पास 17 से 2, 7 बार में करेंगे तो 119 हो जाएगा, बचेगा कितना 11/17, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 10.8।
इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स नंबर इज 10.4 एंड एवरेज ऑफ लास्ट सिक्स नंबर इज 11.5 देन द फाइंड द मिडिल सिक्स नंबर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहता है एवरेज ऑफ 11 नंबर्स, यहाँ से ले लो आप, यहाँ से यहाँ तक 11 नंबर, फर्स्ट नंबर और 11 नंबर का एवरेज जो दिया हुआ है, एवरेज जो दिया हुआ है यह कितना है 10.8 है, कितना है 10.8 है। लेकिन कहता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक 6 नंबर का एवरेज निकाला है, सिर्फ 6 नंबर का एवरेज, तो कितना है 10.4 दिया हुआ, और इसी तरह से इधर से भी 6 नंबर निकाले तो आपका एवरेज दिया 11.5, पहले 10.4 दिया इधर 10.4 और इधर का एवरेज दिया 11.5, तो सिक्स नंबर क्या होगा। तो देखेंगे इधर से 6 संख्या पकड़ेंगे और इधर से 6 संख्या लेंगे तो टोटल कितना 12 संख्या होगा, जबकि संख्या यहाँ टोटल 11 ही है, तो 12 संख्या जो हो जा रही है यानी बीच वाली संख्या यानी छठी संख्या इधर भी है और इधर भी है, तो इसका सम इधर वाले का और इधर का सम दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल 11 से जितना जो सम होगा ज्यादा वो 6 बार 6 वाली संख्या दो बार आ रहा है वही एक्सेस होगी। तो आप देख लो 10.8 एवरेज है टोटल 11 नंबर्स का, तो गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे इसको हम लोग, तो सॉल्व करने से आएगा 118.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 118.8 आ जाएगा। लेकिन लेकिन छः पहली छः संख्या का औसत कितना है 10.4 है, 10.4 छः संख्या का, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 62.4 हो जाएगा। अंतिम छः संख्या का औसत कितना 11.5, कितना अंतिम छः संख्या का औसत, तो कितना हो जाएगा 11 से 6 से 68 और 6 5 30 यानी 68, ठीक है। तो ये जो सम है ये टोटल सम, ये इस सम को इसमें माइनस कर देंगे तो छठी वाली संख्या जो यहाँ डबल आ गई इसमें और इसमें आ गई हो उसका छठी वाली संख्या जो आपसे पूछ रहा है डिफरेंस पता चल जाएगा। तो सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर देंगे 60 और 60 कितना होगा 120 और 8 2 10 130, कितना 60 60 120 और 10 130.4 हो जाएगा। इसमें सॉल्व कर देंगे माइनस 118.8 माइनस करके तो 14 में 8 जाएगा तो 6, ऐसा ऑप्शन कौन सा है सिर्फ बी है, सो ऑप्शन बी इज राइट। 4000 रुपए की राशि 10% वर्ष से 4 वर्ष का सीआई क्या होगा, तो देखेंगे सीआई क्या होगा। सीआई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, P × 1 + R/100 to the power T वेयर माइनस पी, तो 4000 मेरे पास प्रिंसिपल है × 100 + R/100 100 + 10/100 to the power T यानी कितना 4 - 4000। तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 4000 × 1010 कैंसिल तो हो जाएगा 11/10, कितना बार लिखेंगे इसको, पावर 4 है तो हम लोग 4 टाइम्स लिखेंगे, क्लियर है। सो 30 और 30 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। अब हम क्या कर देख सकते हैं कि 11 से इसको सॉल्व करेंगे, नहीं इसको आप ऐसा और कर सकते हैं 11 से सॉल्व करेंगे तो 13 तो 31 यही होगा, और हमारे पास कितना है 2 से यहाँ 5 बार में कर लेते हैं यहाँ 5 से कितना बार में 0.4 कर लेते हैं, ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे मेरे लिए आसान क्या हुआ कि 1331 यानी 1331 को मल्टीप्लाइड अगर हमको करना है 11 से और 0.4 से तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएंगे, ये इसको 0.4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 331 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 5856.4 -400,000। सो आप देख रहे हैं कितना बचेगा 1856.40, सो सीआई इज 1856.40। कहता है एबीसी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपए में ठेका लिया, ये अकेला इसे 8 दिनों में कर सकता था, इस काम को ये अकेला इसे 8 दिनों में कर सकता था, बी इसे अकेला 12 दिन में कर सकता था, ये अकेला 8 दिनों में, बी 12 दिनों में, सी की सहायता से इन लोगों ने सी की सहायता से इन लोगों ने 4 दिन में काम पूरा कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो 8 × 12 = 4 का एलसीएम ले लो सबसे पहले 24 यानी जो इसमें इस मेथड से जब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एलसीएम आता है उसी को टोटल वर्क समझते हैं। ये 8 दिन में 24 काम तो 1 दिन में 3 काम डिवाइड करके 12 दिनों में 24 काम 1 दिन में 2 काम और एबीसी तीन मिल करके एबीसी तीनों मिल करके यहाँ जो काम कर रहा है 4 दिनों में कंप्लीट कर रहा है तो एबीसी 1 दिन में 6 काम, अच्छा ये 1 दिन में 3 काम, बी 1 दिन में 2 काम, तो ये 6 काम हो जा रहा है सी के मिलने से, 3 2 5 यानी सी का काम कितना है यहाँ
इंक्लूडेड ए वन काम यानी सी एक दिन में वन काम करता होगा। तो वन डे का इफिशियंसी यानी वर्किंग इफिशियंसी के रेशियो में ही पैसा बांटते हैं हम लोग। तो कहता है 4500 रुपए में सी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर कितना होगा, तो सी का शेयर कितना होगा, इन लोगों का रेशियो आगे डिवाइड करने के लिए 3:2:1, तो सी का शेयर कितना हो जाएगा 1/3 to 5 or 6 और पैसा बांटना कितना आपको 4500 को, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 750, कितना 750। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है ये ट्रेडर सेल्स टू कंपोनेंट्स टू कंप्यूटर्स फॉर द सेम प्राइस। कोई भी दो सामान को इक्वल प्राइस में बेचने के बाद अगर उस पे एक पर जितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उतना ही परसेंट का नेक्स्ट पे लॉस हो रहा है, तो हमेशा ऐसे केस में ओवरऑल ट्रांजैक्शन में लॉस ही होता है। और लॉस परसेंटेज क्या होता है, जो परसेंटेज है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। तो 15% का लाभ हो रहा है और 15% की हानि यानी 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो इसको 15 कितना 2 to 5 divided by 100, सो 2.25% का इस केसेस में क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज ऑफ मेजरमेंट। चलिए हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, या ट्राइंगल हो, या क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी पॉलीगोन हो, उस पॉलीगोन का एक्सटीरियर एंगल का रेगुलर पॉलीगोन का सम 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ क्या बोला है, हेक्सागोन यानी सिक्स साइड, अगर टोटल सम बाहरी एंगल का सम 360 डिग्री होता है पॉलीगोन का, तो एक एंगल कितना होगा, डिवाइड करके पता कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। कहता है एक कक्षा में 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन रखने वालों छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ की सुविधा है। ये 30% है, कितना है 30% के पास मोबाइल फोन है, उसमें से 10% के पास ब्लूटूथ की सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट कितना है 200 है, मोबाइल किसके पास है 30% छात्रों के पास, तो इसका 30% निकाल लेंगे तो कितना होगा, इसका 30% निकाल लेंगे आप तो 0000 कैंसिल हो जाएगा, 60 लोगों के पास मोबाइल है। अब जितने लोगों के पास मोबाइल है उसमें से 10% के पास क्या है, ब्लूटूथ है, तो 60 का 10% कितना हो जाएगा, 10% इसका 6 हो जाएगा, तो 6 लोगों के पास ब्लूटूथ है। तो कहता है कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार लॉन के चारों ओर स्थित एक वृत्ताकार पथ की अंतः परिधि दी हुई है यानी एक वृत्ताकार सड़क है, ठीक है, तो इसका पथ की चौड़ाई 14 मीटर है, तो पथ की बाह्य परिधि क्या है, अंतः परिधि दी हुई है 2πr दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 440। इसको सॉल्व करेंगे 2 × 22/7 पाई का वैल्यू ले लेंगे, आर हमको नहीं आर नहीं पता कितना है 440, ठीक है। तो आप क्या करोगे 22 × 44 से इसको काटोगे 10 यानी r बराबर कितना निकला 70। तो कहता है तो पथ की बाह्य परिधि क्या होगी, तो ये अंतः रेडियस मेरा को पता चल गया कितना है 70 और इस पथ की चौड़ाई भी दी हुई, कितना चौड़ाई दी हुई 14 मीटर, तो बाह्य त्रिज्या कितनी होगी 70 + 14 यानी कितना होगा 84 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल तीन छोटे वृत्ताकार मैदानों जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 8 मीटर 9 मीटर और 12 मीटर है के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। तो एक बड़ा सा सर्कल है, इसका जो एरिया है तीन छोटे सर्कल जिसका रेडियस दिया हुआ है 8, 9 और 12 के बराबर है, तो कह सकते हैं ये बड़ा वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू ये क्या होगा छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर प्लस पाई फर्स्ट का रेडियस सेकंड का रेडियस पाई आर स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस पाई ये थर्ड का रेडियस दिया हुआ 12 के सम के बराबर है। पाई कॉमन ले लेंगे इधर भी और इधर भी, तो पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर कितना होगा 64, 81 और 144। ये सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 289। आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर हटेगा यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर चढ़ेगा, तो वैल्यू कितना निकलेगा बड़ा आर का 17। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो पूछा था इसका रेडियस क्या होगा बड़े वाले का, तो क्या होगा 17 मीटर। कहता है इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स नहीं If x plus 1 by 2x दिया हुआ है, तो ये वाला टेक्निक काम नहीं करेगा कि x plus 1 by x बराबर n दिया हो तो x की plus 1 by x को लगा देंगे। यहाँ आपसे पूछा x plus 1 by x नहीं, x plus 1 by 2x दिया हुआ है बराबर वैल्यू 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो अगर आपको यहाँ 8x क्यूब लाना है तो यहाँ 2x रहता तो क्यूब करते तो आ जाता,
और नीचे एक्स क्यूब लाना है, तो यहाँ सिर्फ एक्स रहता तो क्यूब कर देता जाता। तो आप ऐसा करो ना कि दोनों साइड हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टू से एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, टू और टू कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स हो जाएगा बराबर फोर हो जाएगा। क्यूबिंग बोथ साइड कर देते हैं, अगर क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यू हो जा रहा है इधर, तो ए प्लस बी का होल क्यू यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी यानी टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना दिया था, ए प्लस बी का वैल्यू कितना था, फोर निकल गया बराबर 64। यहाँ आप देखेंगे एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमें इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना था, एट एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू, तो थ्री टू जा सिक्स फोर जा 24, तो ये 24 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 40। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है यदि x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री है, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर जो उधर चला गया तो रूट अंडर थ्री हो गया। अब इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया, अगर x प्लस वन बाय एक्स बराबर एन दिया रहे और आपसे एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू पूछे तो क्या होगा फॉर्मूला, एन क्यू माइनस थ्री एन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एन का वैल्यू कितना दिया है, रूट थ्री दिया है, तो रूट थ्री का क्यूब कर दीजिए, माइनस थ्री इंटू रूट थ्री का एन का वैल्यू रूट थ्री, रूट थ्री को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री रूट थ्री होगा, माइनस थ्री रूट थ्री, तो वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 16 के बाद 17 और 18 नंबर क्वेश्चन। कहता है द टाइम टेकन बाय ए 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक 360 मीटर लंबी ट्रेन जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है, 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को चलने में कितना समय लगाएगी, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 360 मीटर की लंबी ट्रेन है, 210 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो यानी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करती है, तो दोनों की लंबाई यहाँ जुटेगी तो कितनी हो जाएगी, 570 होगी। और स्पीड कितना दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से। ठीक है, तो 18 से 3 बार में और 3 से सॉल्व करेंगे इसको तो 190 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 और 5 8 40। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फाइव, अगर x प्लस वन बाय एक्स दिया हुआ है बराबर n का वैल्यू 5 दिया है, अगर x स्क्वायर क्यूब रहता तो हम आराम से निकाल लेते हैं, अभी तक हमने जैसे एक दो क्वेश्चंस को देखा है, पर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट तरह का क्वेश्चंस है, उसी से मिलता जुलता जुलता। कहता है इफ इतना का वैल्यू 5 दिया है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स, तो एक्स उधर जाके गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अच्छा देखो तो एफ स्क्वायर प्लस वन बराबर 5x आ गया। अब इस टर्म में हम चलते हैं, इसका वैल्यू निकालना है मुझे, 3x² + 3 है, तो 3 कॉमन लेकर के यहाँ x² + 1 रहने देते हैं और -5x कर देते हैं, x² + 1 का वैल्यू 5x मिल गया, 5x यहाँ पुट कर देंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 15x, यानी यहाँ 15x और 15x - 5x, यानी अब देख रहे हैं मुझे आंसर पहुँच गए, आंसर तक हम पहुँच गए, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 5 बार में, यानी 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर वन ऑफ हुज डायगोनल इज 3.8 मीटर लॉन्ग, स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है और आपको साइड नहीं दिया हुआ, किसी भी स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला जो होता है वह क्या होता है, साइड का स्क्वायर, क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ये नहीं होता एरिया, यानी ये का स्क्वायर, ये वहां साइड को डिनोट करते हैं, पर अगर डायगोनल दिया रहे तो इसमें क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो डायगोनल कितना दिया है 3.8 डायगोनल का स्क्वायर हमने कर दिया है एरिया निकालने के लिए, किसका स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए, डिवाइडेड बाय 2, इसका कितना होगा 1.9। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इस, तो आप देखेंगे 9 8 जा 72 और 2 लास्ट में सिर्फ ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पूरा मल्टीप्लाई करके देखने की भी जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और परीक्षा हॉल 247 के साथ आप सभी बने रहे। आपके जो मैथ्स के हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहे थे, इस बार देखिए मैंने कोशिश किया उसको सॉर्ट आउट करने का, फिर भी कुछ क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में है, जिसको आगे के हम लोग सेट में से इस कमी को भी दूर कर देंगे, दोनों में रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन अगर इंग्लिश में है तो उसको मैं हिंदी में करके बता रहा हूँ और आगे भी बताता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद।